हाय एवरीवन, आज हम लाए हैं आपके लिए कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि लोकेटेड है अपकमिंग जेवरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। दोस्तों, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इसके ऊपर हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपके लिए। आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए और फिर मिलते हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे। आइए देखते हैं एशिया के बन रहे सबसे बड़े एयरपोर्ट और उसके आसपास की डेवलपमेंट के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से लाखों लोगों को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही, जिसमें ग्राउंड स्टाफ, एयरक्राफ्ट स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ और वहीं पे एयरपोर्ट की वजह से रेस्टोरेंट होटल में काम करने वाले लोगों को भी काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही और वहीं पर ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ में लोगों को भी काफी फायदा होगा। इसके अलावा भी रिटेल आउटलेट पे काफी सारे लोगों जिनमें कस्टमर सर्विस सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत पड़ती ही रहती है। यमुना एक्सप्रेसवे में ई सेक्टर्स को काफी प्लान तरीके से बनाया जा रहा है, जिनमें सेक्टर 9 में फिनटेक सिटी डेवलप करने का एक्सपेक्टेड है और वहीं पे सेक्टर 10 में लेदर, फुटवेयर और एक्सेसरीज रिलेटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि सेक्टर 10 अभी डेवलप हो रहा है और तकरीबन 1300 एकड़ का एक काफी बड़ा एरिया है, इसको फर्दर डेवलपमेंट में डिवाइड किया गया है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकरीबन 100 एकड़ का एरिया अलॉट किया जाएगा। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने का भी प्रपोजल है जो 500 एकड़ पे होगा। इस एरिया में प्लास्टिक फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया जाएगा। सेक्टर 21 में ऑलरेडी 1000 एकड़ के एरिया पे फिल्म सिटी बन रही है, जिसका काम तकरीबन जून 2024 से शुरू हो जाएगा। वहीं पे सेक्टर 24 और 24 ए में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारी बड़ी कंपनी जिनमें वीवो, पतंजलि अपने ऑपरेशन शुरू ही करने वाले हैं। वहीं पे सेक्टर 28 में फर्नीचर हब, डेटा सेंटर और वहीं पे मेडिकल डिवाइसेस के लिए तकरीबन 350 एकड़ का एरिया डेडिकेट किया जाएगा। डेटा सेंटर के लिए तकरीबन 100 एकड़ का एरिया प्रपोज्ड है। सेक्टर 29 में फर्नीचर हब, हैंडलूम पार्क, एमएसएमई पार्क प्रपोज्ड है और वहीं पे सेक्टर 32 में मेट्रो कोच फैक्ट्री का भी प्लानिंग है। वहीं पे सेक्टर 33 में टॉय सिटी डेवलप की जा रही है, जो कि 100 एकड़ का एरिया है और इसका काम भी काफी तेजी से चल रहा है। वहीं जेवर के पास एविएशन सिटी भी डेवलप की जाएगी, जिसमें एयरक्राफ्ट रिलेटेड कंपोनेंट, सर्विस और रिपेयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को जगह दी जाएगी। वहीं पे टप्पल के पास में काफी बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 80 एकड़ का है। अगर ओवरऑल छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को कलेक्टिवली कंबाइन किया जाए तो इस एरिया में कम से कम 1 मिलियन जॉब्स का पोटेंशियल तो बनता ही है। तो देखा आपने इसके नियर बाय में ही कितनी सारी एक्टिविटीज एक साथ होने जा रही हैं। इसी के नियर बाय में ही हमारी प्रोजेक्ट है वैदिक विलेज, जो कि अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी में है और इसको जो डेवलप कर रहा है पाल रियल ग्रुप डेवलप कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले 24 वर्षों से पाल रियल ग्रुप 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। यहाँ आपको NOC अप्रूव्ड प्लॉट्स मिलते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, डायरेक्टरेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा NOC अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। इसमें साइजेस की बात करें तो 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज और 500 गज तक के प्लॉट मिलते हैं, अप टू 70% लोन के साथ। तो जो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहा है वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके यहाँ विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।